कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। जब भी आपका कुछ अद्भुत देखने का मन हो, आप कुशीनगर में आकर यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों का अद्भुत तरीका देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई थी, जो विकासखंड खड्डा के ग्राम सभा मदनपुर भेड़िहारी के मदनपुर टोला का खबर था, जो कि नाली निर्माण का दिखाया गया था, जो सड़क से ऊपर नाली का निर्माण कराया जा रहा था, लगभग सड़क से 2 फुट ऊपर, जो कि सड़क का पानी नाली में ना जाकर नाली का पानी सड़क में आता। खबर प्रकाशित की गई और BDO महोदय ने संज्ञान लिया। मौके पर पहुंचे BDO ने ऊपर से लगभग 1 फुट नाली तोड़वा दिया, किंतु नीचे का जो निर्माण है वो अभी भी वैसा ही है। ये है अद्भुत तरीका, नाली निर्माण कराया जाता है ताकि गांव के में जो भी बरसात का पानी हो या फिर पाइप का पानी हो वो नाली में जाए और गांव से बाहर निकल जाए, किंतु यह अद्भुत तरीका आपको खड्डा विकास खंड में देखने को मिलेगा। आप जाकर देख सकते हैं, अभी भी वो नाली वैसा ही है। हर जगह नाली बनाया जाता है ताकि सड़क का पानी नाली में जाए, लेकिन ये इस नाली का निर्माण इस तरह से कराया गया है कि नाली का पानी सड़क में जाएगा। धन्य है वो जेई साहब जिन्होंने इसे पास किया है, और धन्य है वो सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान जो कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि यह नाली किस काम आएगा। मुझे तो लगता है कि जो भी सरकार के धन का यहाँ पे दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग केवल सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के लिए ही हो रहा है। मुझे नज़र नहीं आता कि ग्राम सभा के लोगों का इससे किस तरह से भला होने वाला है। क्या ग्राम सभा के लोग पानी बाल्टी से उठाकर नाली में डालेंगे, या फिर बादल जो है केवल नालियों में ही बरसेंगे? आप देख सकते हैं, जब BDO महोदय के संज्ञान में गया तो BDO महोदय वहां पहुंचे और ऊपर से तोड़वाया गया है नाली। आप साफ देख सकते हैं कि दिख रहा है नाली ऊपर से लगभग 1 फुट तोड़वाया गया है, किंतु नाली अभी भी सड़क से ऊपर ही दिख रहा है। ऐसा क्यों है? ये कौन सा तरीका है नाली निर्माण करने का कि सड़क से ऊपर नाली बनवाया जा रहा है? आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? माना कि जो BDO हैं या फिर सेक्रेटरी हैं, उन्हें गांव से कोई मतलब नहीं, उनको बस अपनी सैलरी से मतलब है, किंतु ग्राम प्रधान जी आप तो धन्य हैं, और आप धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने आपको उस लायक बनाया, आपको चुना, आप जनप्रतिनिधि हैं, किंतु आपको ये समझ में नहीं आता कि हाँ मेरे गांव के लोगों का भला कैसे होगा? क्या यह विकास का कार्य है? लोगों का विकास हो रहा है या आपका विकास हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता कि यहाँ पर लोगों का विकास भी हो सकता है। कैसे? क्या जो भी नाली यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या उससे पानी का निकासी हो सकता है? क्या उस नाली में गाँव का पानी जाएगा, सड़क का पानी जाएगा? यदि जाएगा तो ये सिर्फ प्रधान जी आप ही उसमें बहा सकते हैं पानी। बाकी मेरे देखने से और गांव वालों के देखने से तो ये नहीं लग रहा है कि कुशीनगर में नए नए अद्भुत तरीके देखने को मिलते हैं, और वो अद्भुत कार्य कुशीनगर के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर करवाते हैं, और सबसे बड़ा सहयोग करते हैं उनका यहाँ के ग्राम प्रधान। ग्राम सभा भेड़िहारी में मदनपुर भेड़िहारी टोला, जो कि सड़क बनाया जा रहा है, आजकल बहुत चर्चे में है, क्या प्रधान जी आप बता सकते हैं कि आप ये जो नाली बनवा रहे हैं गांव के किस कार्य में आएगा? क्या आप पानी उसमें उठाकर डालेंगे, या फिर सड़क का पानी अपने आप नाली में जाएगा, या नाली का पानी सड़क में आएगा? आखिर इसे बनाने से क्या फ़ायदा? सरकार का पैसा इस तरह से डुबाने से, सरकारी धन का दुरुपयोग करने से क्या फ़ायदा है? क्या आपको नहीं लगता कि आप वहाँ की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? जिस जनता ने आपको पूरे विश्वास से चुना, आप उस पे खड़े उतर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप उनके विश्वास पे खड़े उतर रहे हैं, सरासर आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, सरकार का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो भी धन गाँव की जनता के लिए आ रहा है वो उनके उपयोग में नहीं प्रयोग किया जा रहा है। अगर इसी तरह से आप सरकारी धन का दुरुपयोग करते रहे तो जनता का विकास कैसे होगा, गांव का विकास कैसे होगा, जनता की जो भी परेशानियां है उसका समाधान कैसे होगा? क्या यही विकास है कि सड़क के ऊपर नाली बनाई जाए?
ताकि नाली का पानी सड़क में आए, गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। आखिर इस तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों?